पुलिस ने तो हमें समझा दिया, अब हम तुम्हें समझाने हैं। सारा कसूर अब्बे का है, किसी ने इस बदबख्त को सर पे चढ़ाया। एक मिनट में ये सारा तमाचा बंद करा सकता हूँ अगर तुम सब हुक्म करो। खतरा तेजी से आगे बढ़ रहा है, मेरी माने भागे यहाँ से। कल बीवी गई और बच्चा भी उसके पीछे चला गया। अगर आप मेरी मदद करें तो उस गुनहगार को सामने लाया जा सकता है। डॉक्टर सिद्रा जैसी एक्सपीरियंस डॉक्टर से लापरवाही हुई है तो मेरी बीवी के खिलाफ इंक्वायरी बिठाना चाहते हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जर्द पत्तों का बंद के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि वो बंदे डॉक्टर नौफिन को अपनी बीवी के कब्र पर ले जाएंगे और उसे वहां बताएंगे कि आप मुझे ये बताएं कि ये कहां का इंसाफ है कि इन्होंने मेरी बीवी को बीमार डाला और उसके बाद माँ की गैर मौजूदगी की वजह से मेरा बच्चा भी दम तोड़ गया। तो डॉक्टर नौफिन उसे समझाएगा कि ऑपरेशन में ये होता रहता है, उसकी जिंदगी और नहीं थी, इस वजह से मर गई है। तो वो डॉक्टर नौफिन से कहेगा कि ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि असल हकीकत ये है कि मेरी बीवी का ऑपरेशन डॉक्टर सिद्रा ने करना था, लेकिन उसने ये ऑपरेशन खुद नहीं किया, बल्कि एक अनएक्सपीरियंस डॉक्टर के थ्रू इन्होंने मेरी बीवी का ऑपरेशन करवाया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। डॉक्टर नौफिन जब ये बात सुनेगा तो वो भी बहुत ज्यादा ताज्जुब में पड़ जाएगा और वो भी दिल ही दिल में ये सोच रहा होगा कि आखिर ऐसी कैसी मजबूरी थी कि डॉक्टर सिद्रा ने खुद ये ऑपरेशन नहीं किया। इस वजह से डॉक्टर नौफिन उसे कहेगा कि आप बेफिक्र हो जाएं, मैं इस मामले की पूरी तफ्तीश करूंगा और अगर डॉक्टर सिद्रा ने जानबूझकर ये ऑपरेशन नहीं किया तो वो इसमें बिल्कुल कसूरवार है और उसको इसकी सजा जरूर मिलेगी, मैं उसे ये सजा दिलवाऊंगा। व्यूअर्स, क्या डॉक्टर नौफिन सच में डॉक्टर सिद्रा के खिलाफ खड़ा हो पाएगा? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।